मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होगा और यह 26 मार्च तक चलेगा। हालांकि कोरोना संकट के चलते बजट सत्र में कितने विधायक शामिल होंगे, सत्र वर्चुअल होगा या वास्तविक सत्र होगा, सत्र के दौरान अधिकारियों की बैठक व्यवस्था क्या होगी, इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। 22 फरवरी को ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि प्रयास होगा कि बजट सत्र वर्चुअल नहीं वरन वास्तविक रूप में हो। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय परिस्थितियों को देखते हुए बाद में ही लिया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक फरवरी में 22 से 26 तारीख तक और मार्च में 1 से 5, 8 से 10, 15 से 19 व 22 से 26 तारीख तक सुबह 11 से 1:30 व दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और राज्यपाल का अभिभाषण 22 फरवरी को होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 24-25 फरवरी को होगी। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के लिए 26 फरवरी, 19 व 26 मार्च के अंतिम 2.5 घंटे निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा स्थगन, ध्यानाकर्षण, मंत्री परिषद में अविश्वास की सूचनाएं 16 फरवरी से प्राप्त की जाएंगी। स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण की सूचनाएं सत्र वाले दिन सुबह 8 बजे से प्राप्त की जाएगी। प्रश्न पूरे 25 दिन पूछे जा सकेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।